गुड मॉर्निंग फ्रेंड, हमारे ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। आज मैं बहुत दिन के बाद ब्लॉग बना रही हूँ क्योंकि मैं बहुत बिजी थी। मेरे यहाँ गेस्ट भी आए हुए हैं और भी गेस्ट थे, चले गए, इसलिए मुझे टाइम नहीं मिल रहा था। अभी मैं कंटिन्यू करूँगी। और देखिए, अभी कीर्तन भी है, वहाँ भी जाना है। बहुत बिजी रहती हूँ इसलिए नहीं टाइम दे पा रही हूँ। शॉर्ट तो बना लेती हूँ पर ब्लॉग के लिए थोड़ा टाइम चाहिए। और आप लोग कैसे हैं? मैं तो बिल्कुल अच्छी हूँ, व्यस्तता थोड़ी ज़्यादा है। फ्रेंड के यहाँ कीर्तन है, हम लोग अभी उसमें 2 दिन बिजी रहेंगे। एक दिन दरबार लगेगा, एक दिन कीर्तन होगा। आप लोग को कीर्तन की कुछ झलकियाँ दिखाएंगे कैसे होता है। हाय करो, देखिए फ्रेंड, ये मेरा भतीजा है। जल्दी नहाता भी नहीं है और जन्ना जल्दी उठेगा। हाँ, लेकिन डांस बहुत मस्त करता है, एकदम हिला देता है। इतना अच्छा डांस करता है ना, ये आप लोग जाके शॉर्ट में देखिए इसका डांस। और बुआ को बहुत प्यार करता है। सही बोला ना? हाँ? ये पूना में इंजीनियरिंग कर रहा है, थर्ड ईयर अभी इसका है। अभी हॉलीडे है इसलिए मेरे पास आया है। हमारे साथ शॉर्ट बनाता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। हाय बेटा। इसे अम्बा में जगदम्बा में गजब की है शक्ति, गजब की है शक्ति। चिंता में डूबे हुए लोगों कर लो इनकी भक्ति, कर लो इनकी भक्ति। जय माता दी। देखिए फ्रेंड, ये कल कीर्तन है, अभी दरबार लगा है। कल हम लोग कीर्तन करने वाले हैं सारे मिल के। ये दरबार सजे हैं माता रानी के। आप लोग भी आइए कीर्तन में। अभी बस अभी दरबार का छोटा सा झलक है, कल पूरी तरह से लगेंगे। ये हैं सुमन मैडम, यही करवा रही हैं कीर्तन। जय माता दी, जय माता दी। ये देखिए, पूजा की पूरी तैयारी मैडम जी करके रखी हैं। एक चूड़ी है, चुन्नी है, सिंदूर बिंदी, कलश दीप, अभी आधी तैयारी हुई है। आप लोग को थोड़ी झलक दिखा रहे हैं, कल पूरी तरह से आप लोग को दिखाएंगे। अक्षत है, जय माता दी। देखिए इसमें पंचामृत मिलेगा, ये है चना हलवा का प्लेट। पूरी तैयारी हो चुकी है, अब कल पूजा होंगे, कीर्तन होंगे, भजन होंगे, फिर आप लोगों को सब कुछ दिखाएंगे। ये प्लेट है प्रसाद देने के लिए। देखिए माता रानी के कीर्तन के लिए फ्रूट भी सब आ गया है।
गुड इवनिंग फ्रेंड, आज मैं कीर्तन में गई थी, ये नाक से सिंदूर लगाया पूजा में, चूड़ियाँ इतनी इतनी, साड़ी सब पूजा में पहन कर जाते हैं हम लोग सारे लेडीज, बहुत अच्छा लगता है, पूजा में सजते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। अब आप लोग को लग रहा होगा ये नाक से सिंदूर क्यों लगता है, ये पूजा पाठ में लगाया जाता है, बड़े बुजुर्ग ने बताया था, इसलिए अभी हम लोग लगाते हैं और सुंदर भी लगता है।